आज के बाद मैं सॉकेट पे कभी नहीं आऊंगा हूँ। हाय, मेरा नाम है संदीप सलवान और आज हम सीखेंगे शाहरुख खान की हंसी। मदन चोपड़ा। शाहरुख खान की हंसी के लिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले एनर्जी के ऊपर काम करना है। एनर्जी का मतलब ये है कि आपको एयर को इनहेल करना है, देन एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आएगा अभी। आपको स्टैमिना चाहिए अपने पास, एनर्जी चाहिए, यानी कि आपके पास एक सपोर्ट होनी चाहिए शाहरुख खान की हंसी को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनहेल ऐसे, इसको फिल करना है अपने एयर से। ये जो कैविटी है इसको फिल करना है एयर से, जिस तरह एक गुब्बारे के अंदर हवा भरती है उसी तरीके से ही। तो आपको एयर फिल करनी है। ये दरअसल कर क्या रही है, ये आपको मदद करेगी, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप अटैम्प्ट लोगे शाहरुख खान की हंसी को निकालने के लिए। तो बहुत ईजी है ये और थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर स्टेमिना होगा एयर को फिल करने का इस हिस्से में, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा जब आप मिमिक्री का अटैम्प्ट लेंगे। आज के बाद मैं शोगट पे कभी नहीं आऊंगा। तो आपने ये नोटिस किया कि जो मैं इसको बीट्स बोलता हूँ, तो आपने जैसे नाना पाटेकर में देखा था, नाना पाटेकर में क्या हो रहा था, नाना पाटेकर की हंसी में दरअसल वो भी बीट्स ही थे। ये एक साउंड है, ये हंसी नहीं है, मैं हंस नहीं रहा हूँ एक्चुअल में। अगर आप रियलिटी देखें मैं हंस नहीं रहा, ये एक साउंड है। और आपको जो क्वेश्चन आपका आता है कि शाहरुख खान की हंसी कैसे करें, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कई लोगों ने पूछा कि शाहरुख खान की हंसी कैसे करें, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे की तरफ मत जाओ, कहाँ से आवाज़ आ रही है ये ध्यान दो। मेरे गले से आ रही है या पेट से आ रही है, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है मैं आपको बताता हूँ। आवाज़ आ कहाँ से रही है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ मैं इसमें अपने गले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो ये वाला हिस्सा है डायाफ्राम, इससे सिर्फ मुझे मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। जब मैं इनहेल करता हूँ ऐसे, तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल गई उस आवाज़ को मेंटेन करने के लिए। तो वो आवाज़ मैं निकाल रहा हूँ ऐसे, देखिए ये गले से ये साउंड है, साउंड उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। एक मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ जिसकी एक लह बना के उसको रिदम में बना के बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे एयर नहीं मिलेगी मुझे, मतलब मुझे जो मैंने एयर फिल करी है वो जैसे जैसे बाहर आएगी जब मैं मिमिक्री करता हूँ, तो वो हंसी टूट जाएगी मेरी, उसकी जो एक कॉन्टिन्यूटी होती है ना वो ब्रेक हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, नहीं निकल पाती। जैसे अभी देखना, अभी आपके सामने भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी मेरी कुछ अटैम्प्ट्स में ऐसा होगा कि एकदम लेंथ वाइज बहुत लंबी एक ही सांस में एक ही टाइप का एक रिदम निकलेगा, देखना अभी। आप लोग मेरी हंसी देखने आए हैं, आप लोग मेरी ये सिर्फ इनहेल का कमाल है, इनहेल हो रहा है जो आप लोग अब सभी लोग मेरी हंसी देखने आए हैं, अरे सीख जाओगे। ये मैं जब आंखें बंद करी ना, मैं उसको होल्ड करके रख रहा हूँ इस एयर को। अगर मैं हवा बाहर निकाल दूंगा, मतलब सांस को छोड़ दूंगा, तो वहीं रुक जाएगी। अब वैसे हंसी क्या होती है, वैसे हंसी तो ये होती है ना ये हंसी हुई एक्चुअल में, लेकिन मैं आवाज़ को मेंटेन कर रहा हूँ। आपने सुना होगा रेंज के बारे में, हर सिंगर की एक रेंज होती है, हाई से लो जाना। आप इसको कंफ्यूज मत होना, मैंने रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है तो प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, हर सिंगर की एक रेंज होती है, हर मतलब या ये समझ लीजिए हर गले की एक रेंज होती है, हाई टू लो। मतलब इसको रेंज बोला जाता है। तो ऐसे ही जब आप शाहरुख खान की हंसी को करेंगे,
मतलब उनकी जब हंसने की मिमिक्री करेंगे तो उसमें ना एक रेंज काम करती है, वो प्रैक्टिस से आती है। तो जब आप शुरू में करेंगे तो हो सकता है आपका सिर्फ 3 सेकंड के लिए ये आवाज़ निकले, कैसे इस तरह से आएगा ये टूटेगा, लेकिन ये सिर्फ गले से आ रही है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है, एक स्टैमिना मिल रहा है यहाँ से, ताकि वो हंसी बरकरार रहे, मतलब वो उसमें कोई ब्रेकअप ना आए। तो हो सकता है आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे शुरुआत कैसे करें, कि हम लोग ना इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे, शुरू ही नहीं हो पा रही है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, शुरू कैसे करनी है आपको। गले को आपको डाउन करना है ऐसे करके, और थोड़ा सा शाहरुख के फील में आना है आपको। ये आप एक्सप्रेशन तो आप देख सकते हैं ना, ये तो कॉपी हो सकता है आराम से ऐसे करके। तो कोई भी एक उनका डायलॉग पिक करो, जैसे देवदास का, जो मुझे देवदास का याद है कि जिसमें वो हंसते हैं, आज के बाद मैं चौखट पे कभी नहीं आऊंगा गले से एक आवाज ही निकाल रहा हूं मैं, बस ये हंस नहीं रहा, मैं आवाज है ये, और उसको मेंटेन कर रहा हूं। मतलब अगर मान लो एक बीट ये है, एक बीट ऐसे निकलती है उसको मेंटेन किया है मैंने जैसे ये ऐसा ही है कि एक जैसे माला बनती है, तो उसमें एक किसी मोती को जो पहला मोती पिरोते हैं, तो ऐसे 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 करके उस साउंड को आपको कंटिन्यू करना है। सिंपल और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। तो जाओ, तो आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए और मेरी जरा हंसने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप हंसोगे तो मैं हंसूंगा, और जब मैं हंसूंगा तो सारी दुनिया हंसेगी। तो एक बार ट्राई करो, देखो कैसे होता है। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट? तो सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरह से, और अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अंजलि अंजलि तू कहाँ चली